भी आप काम कर रहे हैं सर, उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। तो एक पुलिस अधिकारी से लेकर के सर माई जी अवार्ड जो आपको मिला है, वो सफर कैसा रहा सर, और आपको ये मिला कैसे, क्या अवार्ड, आपने किस तरीके से काम किया सर? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पुलिस ऑफिसर जो होता है, या पुलिस डिपार्टमेंट में दो प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं, दो प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक कानूनी और दूसरी सोशल। जो महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951 सेक्शन 64 और 66 में बताया है। दूसरी बात, पुलिस के लिए कोई काम वर्ज नहीं रहता है। लास्ट ईयर जो लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में मेरे साथी डॉक्टर किशोर उड़ान सर, रोमान खान, इरफान भाई और बाकी सिटी में के 22 NGOs, इनके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए अपने भूतपूर्व CP सर, तत्कालीन CP साहब डॉक्टर चिरंजीव प्रसाद सर, और अभी के रनिंग CP सर डॉक्टर निखिल गुप्ता सर, इनके अंडर गाइडेंस में इन्होंने जो मुझे काम करने का एक सुनहरा मौका दिया, उसमें हम लोगों ने जितना हो सके उतना मैक्सिमम काम करने का प्रयास किया, और प्रयास करते ही करते रहेंगे। तो ये जो सफ़र है, ये बहुत ही अच्छा रहा। जो लोगों का रिस्पांस मिला मेरे डिपार्टमेंट के, छवि बदलने में काम आए, और जो लोग उसके हम जो अपील करते हैं उसी के लिए कोई फोर्सफुली इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहती, उसको तहे दिल से लोग मान के अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। और पुलिस एक उनके घर का मेम्बर्स है, उनके लिए है, ये लोगों की भावना निर्माण हुई है, तब से पता चलता है कि ये सफ़र एक ये लंबा ज़िंदगी में हमेशा कायम याद रहेगा, इसकी एक हिस्टोरिकल नोंद रहेगी। तो सर आगे, अब जैसे लॉकडाउन में पिछला साल पूरा चला गया, लोगों की दिक्कतें आई, अब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोग प्रिकॉशन किस तरह से लें? प्रिकॉशन तो लाइफ टाइम लेना चाहिए, हेल्थ इज फर्स्ट। एक्सरसाइज करो इंडिविजुअल, अभी एक समूह से या टीम से एक जगह पे नहीं आ सकते, क्योंकि अभी कम्युनिटी स्प्रेड है। दूसरी बात, जो त्रिसूत्री है, जो गवर्नमेंट के तरफ से बारो बारो डे टू डे उसका बताया जाता है, कि उस जिसके वजह से अपन अवेयरनेस बोलेंगे, अवेयरनेस कैंपेन, एक बार बार हैंड सैनिटाइजर करना, हैंड सैनिटाइजर निर्जंत करना, मास्क का प्रॉपर यूज़ करना, अच्छा क्वालिटी का मास्क यूज़ करना, एक ही बार सिंगल मास्क यूज़ करना, उसके बाद में उसको फेंक देना है। दूसरी नहीं, हाथ धोना, मास्क का यूज़, और कम से कम 6 फुट की दूरी रखना, ज़रूरत है तो घर से बाहर आना, और कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो तुरंत जाके खुद बाय खुद टेस्ट करना है हेल्थ डिपार्टमेंट के जो PSC रहते हैं वहाँ पे, और ट्रीटमेंट लेना है, खुद को आइसोलेशन में रखना है। सर किस तरीके से काम किया गया, मतलब टिफिन बांटने का काम हो, या हमने देखा कि मजदूरों को भी भेजने में पुलिस का बहुत सक्रिय रोल रहा, तो आप उसका कोई अनुभव बताना चाहेंगे सर, कि काम करते वक्त कैसे, किस तरीके से परेशानियां आपने ओवरकम किया सर? लॉकडाउन के दरमियान मुझे लगता है 2 हफ्ते के बाद में बहुत जिसके पास पैसा है वो भी कुछ खरीद नहीं सकता था, और जिसके अगर दिन में कमाएंगे तो शाम में खाना खाएंगे, तो उनके मुँह हाथ की गाट मुँह तोंडाची भेट होईल असं आपण ज्याला म्हणतो, ऐसे हालत में जब सब भूखे मर रहे थे, या घर के अंदर का जो सब सामान था वो उनके पास पे समाप्त हुआ था, तब कोई भूखा ना रहे, भूखा ना सोए, ये कैंपेन चली CP सर के गाइडेंस में, और उसी मुझे लगता है वो थर्ड संडे था, तो एक अफवाह उसमें बताया था कि उनके गांव जाने के लिए बिहार, UP, MP, अलग अलग स्टेट जाने के लिए यहाँ से रेलवे निकल रही है, उसके वजह से अपने जो MIDC एरिया में और सिटी या डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग कोने में जो का बाहर का लेबर्स है, वो लेबर लोग पूरे रेलवे स्टेशन के सामने का जो RTO ऑफिस के अपोजिट साइड में जो मैदान है, खुला मैदान, वहाँ पे जमा होते, बड़े तादाद पे लोग आए थे, और वहाँ पे इतने भीड़, इतना रश हुआ था कि लग रहा था कि अभी इनके हेल्थ का भी इशू निर्माण हो जाएगा, या कोरोना का प्रादुर्भाव इन्हें अभी छोड़ेगा नहीं। ऐसे इसमें हमने जब नोमान खान डॉक्टर किशोर उड़ान सर थे, उनके जरिए उन्होंने लोगों को ऐलान किया, तो उन्होंने लोगों ने जिस एक तहे दिल से जिसको दो एक स्कूल दिया, सैयद लॉन्स वाले जो पटेल भाई है उन्होंने उनका लॉन्स खुला करके दिया, नूरुल मौलाना कौन सा स्कूल, मोइनुल उलूम स्कूल, ये उर्दू हाई स्कूल में उनके ठहरने के अरेंजमेंट किए, वहाँ पे 1400 लेबर्स रुके थे, वो इतना बड़ा स्कूल है, वो इतना वहाँ पे सब फैसिलिटीज़ भी है, और लोगों को एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हमने वहाँ पे उनको रखा, उनके नाश्ते से लेके ब्रेकफास्ट से लेके उनका
डिनर लंच और साथ ही साथ उनका रोजाना चेकअप, ये सभी बातें मद्देनजर रखते हुए या सभी का पूरा फॉलो करते हुए हमने उनको उनके प्रशासन के तरफ से उनके पूरे लिस्ट बना के कोऑर्डिनेट करके हमारे सीपी साहब थे, डीसीपी जोनवन साहब थे, मुकेश कुमार पटेल सर, इनके जरिए हमने वहाँ तब उस टाइम पे जो कलेक्टर थे कलेक्टर ऑफिस को और कलेक्टर ऑफिस वाले ने गवर्नमेंट से लेटर लिखवा के तो उनको एक चार पाँच दिन के बाद उनके घर पहुँचा। वहाँ से जो कॉल आते थे वो बहुत एक आनंददायी थे या सेटिस्फेक्शन देने वाले थे कि हमने अतिथि देवोभव और उनको हेल्थ को कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए उनको उनके घर गांव पहुंचाया और ये हमारे लिए बहुत सेटिस्फेक्शन देने वाली बात है सर। पूरे औरंगाबाद की ओर से के लिए गौरवशाली बात है, पूरे डिपार्टमेंट की ओर से सर और हमारे औरंगाबाद वासियों की ओर से आपको ये अवार्ड के लिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं सर। मैं तो चाहता हूँ ये अवार्ड मुझे मैं सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ, ये अवार्ड मुझे हमारे सीपी सर डॉक्टर निखिल गुप्ता सर, चिरंजीव प्रसाद सर, मेरे साथी, मेरे सहयोगी जिन्होंने बहुत एक कुछ एक निस्वार्थ भाव से काम किया, वो नौमान खान, डॉक्टर किशोर उड़ान सर, धौल क्रांति रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फाउंडर प्रेसिडेंट से, उसके साथ में पैम इंसानियत के जुनेद भाई, कमलेश दूध सर, उसके बाद में नागपाल जी और मालपानी साहब, ये सभी लोगों ने जो दानशूर लोग है उन्होंने आगे आके जिसको जिसकी ज़रूरत थी वो उन्होंने दे दिया। एक यहाँ पे एक मानवीयता ह्यूमैनिटी सामने आई, जिस जिस लोगों ने ह्यूमैनिटी के लिए उनके डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका सपोर्ट रहा वो सपोर्ट अतुलनीय है, उसके कहीं यूनिक और इनक्रेडिबल अतुलनीय भी है, तो उन लोगों के लिए अवार्ड मैं उनको दे देता हूँ। जैसे SP जोरकर सर है जिन्होंने शिवा ट्रस्ट में 72 डेज खाना देने का काम किया, अभी सभी के नाम तो नहीं ले सकता हूँ मुझे माफ़ करना, तो मैं निमित्त हो मात्र हो ये सभी लोगों के लिए है, हमारे लिए अवार्ड से बढ़िया वो सेटिस्फेक्शन था जो भूखे लोग थे उनके हाथ में जब खाना जाता था, पेट में जब खाना जाता था, उनके चेहरे पे जो आंसू खिलता था वो सबसे बड़ा हमारे लिए अवार्ड था। ये अवार्ड से हमारी एक एनर्जी बढ़ी है, हम लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।